ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को राजधानी रांची के सिविल कोर्ट स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अभी जिस गाड़ी से वीरेंद्र कुमार को लाया जा रहा है और उसके साथ जो ऑफिसर्स हैं, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, वो अभी पहुंचे हैं। लोग जो है कह सकते हैं वीरेंद्र कुमार को भी पेश किया जाएगा। सुबह मेडिकल टेस्ट हुआ है उनका सदर अस्पताल में, और उसके बाद फिर से उन्हें ईडी ऑफिस ले जाया गया था, जहां पर कुछ पूछताछ की गई, कुछ कागजी प्रक्रिया जो थी वो पूर्ण करने के बाद अभी कुछ देर में ही उन्हें पेश किया जाएगा पीएमएलए की विशेष अदालत में। और ईडी की ओर से रिमांड मांगी जा सकती है, और कितने दिनों का रिमांड मांगा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब से कुछ ही देर में ही वीरेंद्र कुमार को राजधानी रांची के सिविल कोर्ट स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता दूं कि मंगलवार से शुरू हुई जो छापेमारी है बुधवार तक जारी रही, जहां से ईडी को 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति होने का मामला पता चला, जिसके बाद से ही वीरेंद्र कुमार को हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही थी। उनके कई रिश्तेदारों के पास कई करोड़ के बंगले होने की संभावना है, और साथ ही साथ उन्हें उनके बैंक अकाउंट को भी सीज किया, बैंक अकाउंट भी मिले हैं। साथ ही साथ कई और जगह पे उनके प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिले हैं। तो कोर्ट जो है उस कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर अब लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि वीरेंद्र राम को राजधानी रांची के सिविल कोर्ट स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में लाया गया है, जहां आप देख सकते हैं ईडी के अधिकारियों के साथ वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, और अभी यहां से उन्हें विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और ईडी की तरफ से अपनी दलीलों के साथ साथ उनका रिमांड मांगा जाएगा। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके साथ ईडी के अधिवक्ता भी हैं, जो साथ में बैठे हुए हैं। चलिए 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 पीछे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो है उन्हें यहां पर ईडी के अधिकारियों के तरफ से लाया गया है, और अभी जो है लाइव तस्वीरें सिविल कोर्ट से आप देख रहे हैं वीरेंद्र राम को यहां पर लाया गया है, और अभी उन्हें कार से उतारा जा रहा है। उसके बाद विशेष अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा, जहां ईडी की तरफ से रिमांड मांगा जाएगा। और लाइव तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं ये वीरेंद्र राम पहुंचे हैं ईडी के अधिकारियों के साथ। लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं वीरेंद्र राम, जिन पर 100 करोड़ से अधिक का अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लग रहा है, और अब उन्हें रांची के सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं वीरेंद्र राम को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें देखिए, उन्हें लाया जा रहा है वीरेंद्र राम को। लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों हाथ से बस हो गया, चलो वापस चलो। तो आप लाइव तस्वीरों में देख रहे थे कि वीरेंद्र राम को ईडी के अधिकारियों की ओर से यहां पर पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया है, और दोनों ओर से दलीलें दी जाएगी और ईडी के तरफ से रिमांड मांगा जाएगा, और देखने वाली बात होगी कि ईडी की तरफ से कितने दिनों का रिमांड मांगा जाता है, और जो जज हैं उन्हें कितने
दिनों का रिमांड देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पल पल का अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक लगातार लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए, मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाज़त।